इन दिस लेक्चर अपन इसमें सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन सीखेंगे। तो सिंप्लीफिकेशन कैसे होता है, आपको वी बोर्ड मास याद रखना है। वी का मतलब होता है विनकुलम, मतलब कि बार। जैसे इसको ऊपर बार ऐसे कर देते हैं अपन, तो पहले उसको सॉल्व करना है, फिर ब्रैकेट को सॉल्व करना है, फिर ऑफ का मतलब का देख रखेगा ऑफ, तो आपको सॉल्व करना है, फिर डिवीज़न, फिर मल्टीप्लाइकेशन, फिर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन देखते हैं पहले। तो पहले मैंने बोला पहले ब्रैकेट, तो ब्रैकेट ये लग रहा, फिर इसके अंदर भी ब्रैकेट 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 है, तो पहले इनको सॉल्व करो, फिर टोटली ब्रैकेट को सॉल्व करो। तो ये 3 प्लस इसका 3 आ जाएगा, इसका 2 आ जाएगा, और इसका कितना आ जाएगा, 13 दूनी 26, 26 और 8 34/13। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3 प्लस 5 प्लस 34, ये 13 पंचों 65, 34 99, 99/13। इसको सोल्व करने पर 3 प्लस 13 7 91, 13 7 91 8, 7 से 8/13। ये ध्यान रखना, ये वाले डायरेक्टली ही ऐड करना है अपन को, डायरेक्टली है। ठीक है, एक ऐसे ही एक इसमें क्वेश्चन देता हूँ, कई बार चुकड़ जाते हैं बच्चे, तो अपन देते हैं। इसको सॉल्व करो, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये इनको तो एडिशन डायरेक्टली ही कर लो आप। तो इनको एडिशन करा तो 1 1 1 1, यहाँ पे 4 आ गया, फिर यहाँ पे 1 1 3 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 2 आ जाएगा, और फिर यहाँ पे 1 आ जाएगा। और फिर इनका एडिशन अलग कर लो आप, तो 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2, जो कितना 1 + 1 2। अब इसको डायरेक्ट इसमें जोड़ दो। कई बार क्या है, वो डिवीज़न में दे देता है, जैसे कि x - y / x + y, और इसका सिंप्लीफिकेशन पूछ लेता है वो। ठीक है, तो इसका सिंप्लीफिकेशन कैसे होगा, आप इसके नीचे वाले के विपरीत साइन से, मतलब कि x - y / x - y से मल्टीप्लाई करो, सॉल्व आ जाएगा, कन्फर्मली सॉल्व होगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। कई बार वो √3 √5 - √3/√5 + √3 बोल देता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए इसके नीचे वाले के विपरीत साइन से आपको मल्टीप्लाई करना है। जैसे करते, ये तो होल स्क्वायर हो गया, होल स्क्वायर a - b का होल स्क्वायर कहता है a² + b² - 2ab, तो a² + b² - 2ab। ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा, 5 - 3 मतलब कि 2। आंसर क्या जाएगा, 8 - 2 √15/2 कैंसिल आउट कर दो, तो 4 - √15। ईजिली आंसर, कोई दिक्कत नहीं है इसमें।